हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत आपका स्वागत करता हूँ पेपर आई का चैनल में। आज हम पढ़ रहे हैं दिया है इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर का जो है दूसरा स्टैंजा लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना स्टैंजा। पहले मैं आपको स्टैंजा पढ़ के बताऊंगा, फिर उसका थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगा, फिर रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। माने इस स्टैंजा में हमारे लिए पहला स्टैंजा था, उसमें हमें अर्थ बताया गया था कि कैसे जो कम ज्ञान है, जो अधूरा ज्ञान है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इस स्टैंजा में पोएट हमारे लिए यह बताने आया है कि कम ज्ञान से, अधूरे ज्ञान से हमारे अंदर क्या क्या काम खामियां आ जाती हैं, कौन कौन सी कमियां आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सो प्लीज एट फर्स्ट द टॉवरिंग आल्प्स बी ट्राई। सो इसीलिए सबसे पहले हम टॉवरिंग चढ़ना शुरू करते हैं, आल्प्स चढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होते ही हम पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ गए हैं। माउंट ओवर द वेल्स, पर्वतों से लेकर घाटियों तक चढ़ते ही जाते हैं। एंड सीम, और दिखता है, ऐसा दिखता है कि टू ट्रीट द स्काई होता है प्रतीत होना, टू ट्रीट द स्काई, ट्रीट का हमें ऐसा प्रतीत होता है अपने आप में, अपने मन में, कि हम इस ज्ञान के जरिए से आसमान हैं। द इटरनल स्नोज अपीयर ऑलरेडी पास्ट, यानी कि जो हमेशा गिरने वाली हिमपात दिखाई देती है कि अब इससे आगे कुछ नहीं। एंड द फर्स्ट क्लाउड्स एंड माउंटेन्स सीम द लास्ट, यानी कि पहले बादल और पहले पर्वत, यानी कि जो पहली सीढ़ी होती है हमारी ज्ञान की, जिससे हम थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, थोड़ा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम उसी पूर्ण समझ लेते हैं, उसी को आखिरी समझ लेते हैं कि इससे आगे हम हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट दोज, लेकिन दोज अटेंड बी ट्रेम्बल टू सर्वे, लेकिन जब हमसे कोई भी इस ज्ञान के बारे में पूछता है तो हम क्या कर जाते हैं, अपना मुंह छुपाने लगते हैं, हम बात करने लगते हैं कि चलो किसी और बात पे बात करते हैं। द ग्रोइंग लेवर्स ऑफ द लेंथ, यानी कि बढ़ती हुई मेहनत, बढ़ती हुई यानी बढ़ती हुई जो मेहनत है, जो हमारा परिश्रम है, वो और आगे बढ़ता चला जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में बस मेहनत की शुरुआत ही हुई होती है। द इंक्रीजिंग प्रोस्पेक्टस टायर आवर वेंडरिंग आइज, हमारी बढ़ती हुई जो भावनाएं हैं वो हमारी थकी, हमारी क्या कर देती हैं, थका देती हैं। क्या थका देती हैं? हिल्स पीप ओवर हिल्स एंड आल्प्स ऑन अराइज, हम पहाड़ों के ऊपर पहाड़ और पर्वतों के ऊपर पर्वत चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम नीचे मुड़कर नहीं देख पाते कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां रहती हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने आपको स्टेंजा का रेफरेंस बताया था, वैसे ही इस स्टेंजा का रेफरेंस आप कंसीडरिंग द ड्रॉबैक्स, यानी कि पोएट जो है वह कंसीडरिंग कर रहा है, बता रहा है कि
ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मीन्स कमियां ऑफ अधूरे ज्ञान की, कम ज्ञान के कारण जो हमारे अंदर कमियां आ जाती हैं उनके बारे में पोएट बता रहा है। इट हैपेंस, यह अक्सर होता है व्हेन द पर्सन विद लिटिल लर्निंग, जब कोई व्यक्ति अधूरे ज्ञान के साथ टेक्स थिंग इजी, किसी भी काम किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है, यानी कि किसी भी काम को करना वो कम ज्ञान के कारण आसान समझता है, वो समझता है अरे इसमें क्या है। इट सीम्स टू हिम, उसे ऐसा लगता है, और हर उसे मैन या वुमेन, दैट कि द टास्क इज इजी, जो टास्क है जो हमारा काम है उसका काम जो है वो कैसा है, बहुत ही सरल है। बट लेकिन एक्चुअली वास्तव में दैट मैसिव, मैसिव मीन्स बड़ा, यानी कि वह बड़ा टास्क जो है इज ओनली द बिगिनिंग, वह केवल शुरुआत होता है। एंड इट इज टायरसम टू मूव अहेड, और हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन जब वो देखता है कि अरे उसको तो इतना नहीं आता है, फिर उसको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है और वो उतना आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि वो पहले ही मानसिकता ऐसी बना लेता है कि उसको सब कुछ प्राप्त हो चुका। वार्निंग टू दोस्त ही, वार्निंग गिविंग देना है, वार्निंग चेतावनी देना है टू दोस्त, उनके लिए हु कंसीडर एनी वर्क इजी, कंसीडर मान लेते हैं एनी वर्क इजी, किसी भी काम को आसान। पोएट जो है उन लोगों को यह चेतावनी दे रहा है कि जो लोग उस उन लोग जो उस काम को किसी भी काम को कैसे मान लेते हैं, आसान मान लेते हैं, बट एक्चुअली लेकिन वास्तव में मोर वर्क इज लेफ्ट, काफी सारा काम जो है वो छूट जाता। ठीक है, है बाई लिटिल लर्निंग, वो भी अधूरे ज्ञान से असंभव है भैया। एज देयर इज ए वास्ट नॉलेज इन दैट पार्टिकुलर एरिया, वास्ट नॉलेज मीन्स काफी और ज्यादा ज्ञान, यानी कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है अधूरे ज्ञान से वह उस मानक तक नहीं पहुंच सकता। एज देयर ए वास्ट नॉलेज इन दैट पार्टिकुलर एरिया, क्योंकि उस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारा काम करने को बचा हुआ है, रह जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये दूसरा स्टेंजा कर लिया है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में यही दो स्टेंजा थे, नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अगला चैप्टर लेके आएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।